हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दबन पे यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइजर जो आप विंटर सीजन में देने के साथ साथ फरवरी के मंथ में भी दे सकते हैं प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं और किस किस प्लांट में आप उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोज प्लांट के लिए हम सबसे पहला फर्टिलाइजर प्रिपेयर कर रहे हैं। रोज प्लांट जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पर चाय पत्ती या फिर यूज्ड टी। जी हाँ दोस्तों, यूज्ड टी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपके किचन में ही। अब इसे प्रिपेयर करने का तरीका आप देखें, आपको एक बाउल लेना है और उसको वाटर से फिल कर देना है। अब हमारे टी लीफ फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करना आप देख लें, बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको चाय पत्ती को लेना है, उसे वॉश करना है और उसे एक दो दिन के लिए सूखा देना है, जिससे हमारा जितना भी उसके अंदर मिल्क कंटेंट है वो निकल जाए। और सूखने के बाद आप उसे इस वाटर में डिजॉल्व कर दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम से डिजॉल्व नहीं होगी, थोड़ा सा समय लेगी, बट हाँ दोस्तों ये 24 घंटे के अंदर आपको कलर दिखा देगी। ये देखिए दोस्तों 24 आवर में कलर चेंज हो चुका है वाटर का और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टी डांस भी कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसे प्लांट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं और रोज प्लांट में डाल देते हैं। यूज्ड टी फर्टिलाइजर को डालने का तरीका भी आप देख लें, आप इसे डायरेक्टली रोज प्लांट के अंदर दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर टाइगर रोज अवेलेबल है और इसमें हमने हमारा फर्टिलाइजर डाल दिया और नियरली 15 डेज में ही हमें खूबसूरत खूबसूरत से बड़े बड़े फ्लावर नजर आने लग गए। ये दोस्तों एक फर्टिलाइजर का कमाल है और नेचुरली भी फ्लावर आता है। हम इस फर्टिलाइजर को अदर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। तो इस फर्टिलाइजर को फेंकिए ना इधर उधर, आप किसी और लीफी प्लांट में भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों दोस्तों, आपको हमेशा गार्डन में फ्लावर अच्छे लगते हैं ना। तो चलिए दोस्तों ऐसा फर्टिलाइजर प्रिपेयर करते हैं जो आपके फ्लावरिंग प्लांट को एवरलास्टिंग बना के रखेगा और हर बार आपके प्लांट को मजबूर कर देगा फ्लावर प्रोड्यूस करने में। उसके लिए दोस्तों नंबर टू पर आ जाता है हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर। इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है और दो मेथड से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे बनाना पील फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप ड्राई बनाना पील ले सकते हैं या फिर वेट ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स पार्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बनाना पील को छोटे छोटे पार्ट में कट करना है और इस वाटर के बाउल में डाल देना है। बनाना पील फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स सुनोगे तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमारा एनपीके के अंदर जो के पार्ट होता है वो होता है पोटेशियम, वो मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने में और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर। यहाँ पर दोस्तों हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर एकदम हाईएस्ट ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ पोटेशियम है। मतलब आप इस फर्टिलाइजर को आप एवरी फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो रोज प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ करें और हिबिस्कस प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि यही वो प्लांट है जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। नियरली 24 आवर में हमारा फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वाटर का कलर फिर से चेंज हो चुका है और इस फर्टिलाइजर को देना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा इसको फिर से शफल करें ताकि जो भी न्यूट्रिएंट पार्ट जो बचा खुचा रह गया है पील के अंदर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाए और बस इसे छानिएगा और अपने प्लांट में अप्लाई करते रहें। नंबर थ्री पर हम जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं दोस्तों, वो आपके एडिनियम प्लांट के लिए और बोगनवेलिया प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है और अपने प्लांट को वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फिट रहने के लिए मदद करता है। तो चलिए दोस्तों उस फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एक्सेल फर्टिलाइजर बना देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ग्लास के बाउल में थोड़ा सा पानी भरेंगे और उस पानी के अंदर हम हमारे एक्सेल को क्रश करके डालेंगे। दोस्तों क्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो हमारे एक्सेल जल्दी डिजोल्व होंगे पानी के अंदर। जब भी दोस्तों आप एक्सेल फर्टिलाइजर बनाएं, सबसे पहले उस एक्सेल को वॉश कर दें ताकि उसके ऊपर जो लेफ्ट आउट पार्ट है वो सारा का सारा हट जाए और उसके बाद कम से कम ये 2 से 3 दिन मिलेगा बनने के लिए और 2 दिन बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का वाटर कलर हमारे पास नजर आएगा, धुंधला धुंधला सा नजर आएगा, बट दोस्तों ये हमारा एक्सेल इसमें डिजोल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों हमारा एक्चुअल फर्टिलाइजर प्रिपेयर हो गया है तो इसे बोगनवेलिया प्लांट में और एडिनियम प्लांट में डाल देते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और ज़्यादा क्रिएटिव वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे एडिनियम प्लांट के अंदर और बोगनविलिया में थोड़ा थोड़ा करके फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और ये रहा इसका रिज़ल्ट। रिज़ल्ट दोस्तों 15 से 20 दिन में आपको मिल जाएगा। क्या दोस्तों आप घर पे सब्जियां उगाते हैं? अगर उगाते हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र बताऊंगा मैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, आपकी सब्जियों को बहुत अच्छा बना देगा, बड़ी बड़ी सब्जियां आपको मिलेगी, बड़े बड़े फल आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों उस फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 4 पर है हमारा काउडंग फर्टिलाइज़र, मतलब कि गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, यही फर्टिलाइज़र जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सारी फर्टिलाइज़र में और सबसे ज़्यादा यूज़ भी करा जाता है आपकी गार्डनिंग या फिर फार्मिंग में। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको एक काउडंग या तो ड्राई पार्ट लेना है या फिर फुल्ली डीकम्पोज काउडंग लेना है और उसे पानी के अंदर डाल दीजिए। 24 घंटे में दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी का कलर एकदम रेडिश हो चुका है, मतलब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी है प्लांट में डालने के लिए। यहाँ पर दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को हम किसी भी सीज़न में डाल सकते हैं, बस आपको एक सीज़न का ध्यान रखना है, वो है समर सीज़न। एक्सट्रीम हॉट समर सीज़न में आप मर्च यूज़ करिएगा, बाकी किसी भी सीज़न में या फिर किसी भी मंथ में यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे पुदीना प्लांट पर यूज़ करा है और आप इसका रिज़ल्ट देखें कितना हेल्दी हमारा पुदीना प्लांट है, और इसे रोज़ प्लांट के ऊपर भी यूज़ किया जा सकता है। देखें कितने हेल्दी पिक पिक न्यू लीव्स आने लग गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट फर्टिलाइज़र के ऊपर आ गए हैं और ये फर्टिलाइज़र शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में आपके प्लांट की बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके प्लांट की साइज़ भी कभी कभी इंक्रीज़ कर देता है अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में ज़्यादा फ्लावर आए। बट दोस्तों इसे यूज़ करने का मकसद आप सिर्फ और सिर्फ सीजनल प्लांट के ऊपर रखना, परमानेंट प्लांट के ऊपर कभी मत यूज़ करना। नंबर 5 पर हमारा है DAP फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और प्लांट में फ्लावर बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। DAP फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ दाने DAP के लेने हैं और इसे ग्लास बाउल या फिर किसी भी बाउल में डाल दीजिए। अगर हमारा पानी गुनगुना हुआ तो ये तुरंत डिसॉल्व हो जाएंगे और पानी का कलर चेंज हो जाएगा, और अगर पानी नॉर्मल रहा तो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाएगा, बट ये नियरली 5 से 6 आवर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जिस प्लांट के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए उस प्लांट में आप DAP फर्टिलाइज़र एज ए लिक्विड डाल सकते हैं या फिर आप कुछ दाने DAP के सॉइल के ऊपर भी डाल सकते हैं। हमने लिक्विड फॉर्म चूज़ करा है जिससे इस प्लांट के ऊपर ज़्यादा हार्म ना हो और ज़्यादा क्वांटिटी ना चली जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्मांडा की येलो वाइन है और इस पर फ्लावरिंग आ रही है, तो इस पर फ्लावरिंग कंटिन्यू रहे इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा DAP फर्टिलाइज़र डालेंगे। अगर आपके कलेक्शन में मॉस रोज या पोर्टुलाका है तो उस पर आप डेफिनेटली DAP के कुछ दाने ज़रूर यूज़ करें, इससे पोर्टुलाका के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा और ये ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा। आप यहाँ पर रिजल्ट देख ही सकते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल है मार्केट में जो आपके प्लांट को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है? उसके अंदर जो कलर्स आते हैं वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और उसके अंदर फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग हो रही है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं वो वाला फर्टिलाइज़र। नंबर 6 पर आ जाता है सरसों खली मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आप लिक्विड फॉर्म में देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट के अंदर और जल्दी आपको रिजल्ट देगा। अब सरसों खली फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आपको थोड़ी सी खल लेनी है और उसको वाटर बाउल में डिसॉल्व कर लीजिए। नियरली 24 आवर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा और आप प्लांट में उसे इजीली दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे 2 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। नियरली 24 आवर के बाद हमारी सरसों खली कुछ इस तरह की नज़र आएगी। आप वाटर में अच्छे से इसे फिर से डिसॉल्व कर लीजिए और फिर ये प्लांट में देने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसमें ट्विस्ट ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए आप 1/2 कप वाटर लीजिएगा और उसमें 1/2 कप और ज़्यादा पानी मिला दीजिए और इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको प्लांट को और ज़्यादा अच्छा बड़ा करना है, एनहेंस करना है, उसकी ग्रीनरी और ज़्यादा ग्रीन करनी है, तो आप इनडोर प्लांट आउटडोर प्लांट किसी भी प्लांट में आप इजीली दे सकते हैं। आपके प्लांट के अंदर एक अजीब सी शाइन आ जाएगी, आप सोचेंगे प्लांट के अंदर ऐसी क्या चीज़ डाली आपने कि आपका प्लांट और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लग गया। आप फाइकस प्लांट, एलोवेरा प्लांट सब में डाल सकते हैं। क्या दोस्तों आप चाहते हैं आपके प्लांट के अंदर जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाए?
तो चलिए दोस्तों ऐसा फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर लेते हैं जो आपके प्लांट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो चलिए दोस्तों प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 7, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, जो आप प्याज के छिलके इधर उधर फेंक देते हैं उसका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, उसे लिक्विड फॉर्म में हम बनाएंगे। आपको एक ग्लास बाउल भरना है और बस जो आपके पास छिलके अवेलेबल है उन्हें उस बाउल में डाल दीजिए और करीब करीब एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र ने हमारे वाटर का कलर तो चेंज कर दिया है दोस्तों। देखते हैं प्लांट में किस तरह से हम इसे डालेंगे और ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट सॉइल में नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है वो इस फर्टिलाइज़र के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब हिबिस्कस प्लांट के अंदर इस फर्टिलाइज़र को इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे हिबिस्कस प्लांट कंटिन्यूसली फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो सॉइल के अंदर से, तो आप डेफिनेटली इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दें। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र में दोस्तों जो भी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप उसे फ्लावरिंग प्लांट या फिर वेजिटेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। राख आप देख सकते हैं, वो डैश है जो नॉर्मल वुड या फिर जो काउडंग होता है उसको जलाकर बनाया जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस तरह से वुड ऐश को इकट्ठा करना है और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होता है, एक तो प्लांट को कैल्शियम मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है सॉइल के अंदर, और इसके अंदर अगर कोई फंगस प्रॉब्लम होती है सॉइल के अंदर तो हमारा जो कोल होता है, जो कार्बन होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा फंगस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है। इससे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है और ये दोस्तों नया तरीका नहीं है, ये बहुत सालों से ये तरीका अपनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।